अगर आप अपनी और अपनी फैमिली की सेहत की थोड़ी सी भी परवाह करते हैं तो आज मैं आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी चंद मिनट चाहता हूं। अगले 5 मिनट में मैं अपनी 15 साल की रिसर्च आपके सामने रखूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा खाना हमें जान देता भी है और हमारी जान ले भी सकता है। और आप इस वीडियो के एंड तक जान चुके होंगे कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे अपनी हेल्दी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं और कैसे एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, यानी कैसे ज्यादा समय तक यंग दिख सकते हैं। वेलकम बैक टू ब्लूम एंड इवॉल्व। आज मैं हसन आपको बताऊंगा कि कैसे खाना हमें जान देता भी है और हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारी जान ले भी सकता है। मान लीजिए क्लास में एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। सारे बच्चों को एक एक गैस का बलून दिया जाता है। अब एक बच्चे से अपना बलून छूट जाता है तो वो दूसरे बच्चे का बलून छीन लेता है। अब जिसका बलून छिन गया है वो तीसरे बच्चे का बलून छीन लेता है। थोड़ी देर में सब एक दूसरे का बलून छीन रहे होते हैं और एब्सोल्यूट केओस मच जाता है। फाइनली टीचर गुस्सा हो जाता है और उस पार्टी को खत्म कर देता है। तो एक शांत और स्पेशल ओकेजन बन जाता है स्ट्रेसफुल। अब आप सोच रहे होंगे इस कहानी का हमारी लर्निंग से क्या रिश्ता है। तो आप ये समझिए कि बस ऐसी ही जंग, ऐसा ही स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर हर वक्त चल रहा होता है। इस स्ट्रेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब पूरा प्रोसेस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो खाना हम खाते हैं वो हमारे ईसोफेगस से होता हुआ हमारे पेट तक पहुंचता है। पेट तक पहुंचते ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसके लिए आपके स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जैसे पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक लिपेज और म्यूकस। इसी के साथ स्टार्ट होता है ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस। ऑक्सीडाइजेशन वो प्रोसेस होता है जो लोहे में भी जंग या रस लगा देता है। जंग लगने के बाद आप लोहे जैसी चीज को भी दो हाथों से तोड़ सकते हैं। तो फिर सोचिए, यही ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस जब आपकी बॉडी के अंदर चल रहा होता है तो आपकी बॉडी के लिए सहना कितना मुश्किल होगा। दिन में हम जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस होता है। जितनी बार आप सांस लेते हैं उतनी बार ऑक्सीडाइजेशन होता है। बट 8 मिनट, ऑक्सीजन तो अच्छी चीज है ना, और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजेशन के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। बट ऑक्सीडाइजेशन आपकी बॉडी में जितनी बार होता है उतनी बार वो फ्री रेडिकल्स बनाता है। बस यही फ्री रेडिकल्स आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। फ्री रेडिकल्स वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं जिनका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर मचल रहा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी कहानी में उस बर्थडे में बच्चे एक दूसरे से बलून छीनने के लिए मचल रहे होते हैं, बस उसी तरह फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बनते ही आपके सेल से इलेक्ट्रॉन्स छीनने लगते हैं। इससे आपके सेल्स और आपका डीएनए भी डैमेज हो सकता है। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। कभी कभी हम बिना बात के मूडी और चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऑफिस में हैं, फैमिली के साथ हैं या ड्राइव कर रहे हैं और बिना किसी बात के हम इरिटेट हो जाते हैं। काफी बार इसकी वजह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और हमें पता भी नहीं चलता। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आप कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, बट इसको कम करने के लिए बॉडी अपने एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती हैं जो फ्री रेडिकल्स को अपना एक इलेक्ट्रॉन देके शांत कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उस पार्टी में जितने भी बच्चे उधर मजा रहे हैं उनको आप एक बलून दे दिए और वो शांत हो जाएं। लेकिन इस प्रोसेस में एक कैच है। आजकल के मिलावट वाले खाने और हाई कैलोरी डाइट की वजह से हमारी बॉडी एक बहुत बड़े ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में रहती है। खाने में जितना ज्यादा फैट और ऑयल होता है उतने ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स की आर्मी इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारी बॉडी टूटने की कगार पे पहुंच जाती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डीएनए डैमेज होने लगता है जिससे कैंसर हो सकता है। वक्त से पहले साइंस ऑफ एजिंग दिख सकते हैं, जैसे कि रिंकल्स, बालों का झड़ना, सफेद होना, मेमोरी लॉस हो सकता है, अल्जाइमर्स या पार्किंसंस डिजीज हो सकता है, कांस्टेंट हेडेक्स रह सकते हैं, आईज कमजोर हो सकती हैं, लिवर, किडनी, हार्ट सब डैमेज हो सकता है। बट आप इन बातों से डरिए नहीं, बल्कि ये जान के खुश होइए कि हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत कम कर सकते हैं। मगर कैसे? सबसे पहले खाना लिमिट में खाइए। ऑयल, शुगर्स, फैट्स जितना कम हो सके उतना कम लीजिए। इससे आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत कम प्रोड्यूस होंगे और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स ऐड करिए। इन सब में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ग्रीन टी और ग्लूटामिन रोज लीजिए। ग्रीन टी में EGCG और ग्लूटामिन में ग्लूटाथायोन वर्ल्ड के दो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं।
मतलब फ्री रेडिकल्स का काम तमाम। हाँ, ग्लूटामिन लेने से पहले अपने डॉक्टर या फिजिशियन को जरूर कंसल्ट करें। डॉक्टर की एडवाइस ले रहे हैं तो उनसे पूछकर एक मल्टीविटामिन भी ले लिए, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हों। पोल्यूशन से बचिए। पोल्यूशन आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे लंग्स और स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आप अच्छा सनस्क्रीन लगाइए, जो आपको यूवी रेज से बचाएगा। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अवॉइड करिए, ये दोनों एक्टिविटीज फ्री रेडिकल्स को बढ़ाती हैं। मॉडरेट एक्सरसाइजेस रोज करिए, अपना फैट मास कम करिए और हाइड्रेटेड रहिए। ये सारे फिजिकल फैक्टर्स होने के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी कम लीजिए। आप मेंटली हेल्दी होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। ये आप मेडिटेशन के एक रेगुलर रूटीन से अचीव कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी हेल्दी लाइफ को और ज्यादा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप फ्रूट, सैलेड, ग्रीन टी और कोई भी वो चीज जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो खाने से एक घंटे पहले लिए या खाने के दो घंटे बाद। मुझे उम्मीद है आज के बाद आपकी लाइफ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा और आप ज्यादा हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिएंगे। क्योंकि अपने 2.0 वर्जन को अनलॉक करने के लिए ये सबसे पहला स्टेप है। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में हमें ये भी बताइए कि आप ऐसे ही कौन कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हमसे वीडियो चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द उन टॉपिक्स को आप तक लाने की। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, ब्लूम एंड इवॉल्व।